शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे और आज के इस कार्यक्रम में हमारे दो ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ट्रक को लेकर जिस प्रकार से चेक पोस्ट हो या प्रशासन का ध्यान नहीं है, ड्राइवरों का सम्मान नहीं हो रहे, ऐसे कई टॉपिक को लेकर आज यह चर्चा होने वाली है। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से रमेश कुमार सर और वाड़ी से जुड़ चुके हमारे साथ में नरेंद्र कुमार मिश्रा जी। मैं दोनों मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले दर्शकों, आज के हमारे जो दो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रमेश कुमार साहब के बारे में ये बता दूं कि रमेश कुमार साहब जो आज के हमारे मेहमान हैं, सर आप ड्राइवर दुनिया मैगजीन के संपादक हो, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी आप काफी अच्छा लिखान करते हो, लिखते रहते हो, 7 साल से विदेश में आपने काम किया है। भारत में आने के बाद 2 लाख किलोमीटर, ये कोई कम अंतर नहीं होता, लेकिन 2 लाख किलोमीटर का जो सफर है वो भी आपने किया है और अब तक के, यानी ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है कि रमेश कुमार साहब ने अब तक के 1 लाख ट्रक ड्राइवर से बात कर चुके हैं। तो वही दूसरे हमारे जो मेहमान है नरेंद्र कुमार मिश्रा जी, मैं मिश्रा साहब जी के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि मिश्रा साहब आप भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक है और काफी अच्छा आपका कामकाज है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कई ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार हो या प्रशासन हो अक्सर उनसे दो हाथ करते हुए आप नजर आते हैं और यही अच्छी बात है कि आज ऐसे दो महान मेहमान हमारे साथ मौजूद है। कार्यक्रम की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल मैं आज दिल्ली से हमारे जो मेहमान जुड़ चुके हैं रमेश कुमार जी, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा। रमेश कुमार जी, सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और मेरा पहला सवाल ये है कि आप जब से प्रहलाद अग्रवाल साहब से जुड़ चुके हो और उनके साथ आपने कई सफर किया है, क्या कहना चाहोगे जॉइंट एक्शन कमेटी ये क्या कामकाज करती है? नमस्कार। मैं प्रहलाद जी को कम से कम मतलब 8-10 साल से मैं जानता हूँ, ठीक है, और यू नो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, यू नो तो बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत बार हम यू नो साथ में मिलकर सफर भी कर चुका है और यू नो जब यू नो लाइक ये जॉइंट एक्शन कमेटी का बात मुद्दा निकला जी, जब हम यू नो स्थापित किया था मैं उसमें पहला यू नो भाग लिया था। प्रहलाद जी, मैं और मिस्टर यू नो राजेंद्र सिंह जी चेन्नई से है, आई गोवा का जनरल सेक्रेटरी है, हम तीनों मिलकर जॉइंट एक्शन कमेटी पहले बनाया था, ठीक है। उसी का पहला चरण में हम लोग यू नो लाइक पुणे से लेकर जयपुर तक सफर किया था 7 दिन में, रुक रुक कर बहुत जगह पे क्या क्या रास्ते पे क्या क्या हो रहा है, ड्राइवर लोगों को क्या क्या सुविधा नहीं मिलता, क्या मिलना चाहिए, कलेक्टर से मिला था, यू नो आरटीओ से मिला था, बहुत लोग से मिला था, ट्रांसपोर्ट नगर में जाके सब लोग से मिला था, हम तो सब साथ में मिलकर बहुत कम से कम एक 30 लोग के साथ इकट्ठा लेकर हम गए थे सफर, जो रास्ता पे सफर किया था बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम साथ में कर नहीं पाया क्योंकि डिस्टेंस नो नहीं, दूरी की वजह से मैं साथ मिल नहीं पाया। उसके बाद मिश्रा जी के साथ मिलकर रहने वाले प्रहलाद जी करा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका दिल उसमें लगा हुआ है। सी देखिए, ड्राइवर ऐसा व्यक्ति है उनका कोई सम्मान नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन उसके बिना हमारा जीवित बहुत मुश्किल हो जाए। रमेश जी मैं उस विषय पे आने वाला हूँ। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से रिश्वतखोरी का जो कामकाज जो चल रहा है बड़े पैमाने पर चल रहा है, ऐसे लोगों की रोकथाम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कहाँ कम गिर रही है और मध्य प्रदेश में जो रिश्वतखोरी का जो धंधा इतना फल फूल रहा है उसके पीछे में कौन ऐसे लोग हैं जो इस धंधे को काफी सहयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए यू नो मतलब मध्य प्रदेश ऐसा ऐसा राज्य है, इसमें यू नो लाइक कम से कम यू नो 30-40 एग्जिट पॉइंट है, ओके,
वो सेंटर ऑफ द कंट्री है, बीच में एकदम बीच में है सब, बहुत दिनों बहुत राज्य को कनेक्ट करता है। लेकिन देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई वो कांग्रेस सरकार है और बीजेपी सरकार है, ये कोई सरकार इसको लेके जो भी रिश्वत इतना धूमधाम से रिश्वत चल रहा है इसको रुकने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हमें 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 मालूम है सिर्फ जब लाइक एक छह महीने के लिए जब उमा भारती चीफ मिनिस्टर थी तभी सिर्फ छह महीने के लिए बहुत अच्छा चल रहा था, ये रिश्वत को रुका गया था। लेकिन छह महीने के बाद वो उमा भारती जी भी कुछ कर नहीं पाया क्योंकि ये रिश्वत है ना, हमारा खून का अंदर इतना घुस गया है हर पॉलिटिशियन को शासन चलाने के लिए पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए और ट्रांसपोर्ट वाला से लूटता है। ओके, ट्रांसपोर्ट वाला के सब लूटने के लिए वो डायरेक्टली ले नहीं सकते, इसलिए ये बॉर्डर चेक पोस्ट में लोगों के साथ मिलिए बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार है और कांग्रेस सरकार है दोनों इसमें पूरा भाग ले रहा है, पूरा फायदा उठा रहा है इसको। देखिए अभी एक हफ्ते पहले भी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर कांग्रेस भी बहुत बड़ा लंबी कद लिखा था मध्यप्रदेश सरकार को और काफी दिया था केंद्रीय सरकार सब लोग को, और प्रहलाद जी भी बहुत लिखे है और हर संस्था ये सब लोग कद लिखता रहता है। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक परिवर्तन हो जाए, मैंने पूरा 360 डिग्री परिवर्तन होएगा तब तक रिश्वत खत्म नहीं होगा। ऐसा आपका मानना है कि रिश्वत खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसी वजह है जो कारण आपने जो दिया है अब उसको बड़ी गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश की जो चेक पोस्ट है वहां पे पूरी तरह से जो सफर करते हैं चाहे ट्रक ड्राइवर हो या ट्रक में जो माल जो ढुलाई रहता है उसको लेके कारण वजह कोई भी बताते हैं मगर लूटना काम उनका बदस्तूर जारी है, जिसके चलते कई ट्रक ड्राइवरों को लूटा जा रहा है, ट्रक के मालिकों को लूटा जा रहा है। और कानून की बात करते हुए उन लोगों से पैसा ऐंठने का काम लगातार जारी है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये जो कामकाज जो शुरू है रिश्वतखोरी का और ये बड़े पैमाने पे हो रहा है, ऐसी बात रमेश कुमार साहब जो कि दिल्ली से जुड़ चुके हमारे मेहमान उन्होंने बताया है। अब मैं रुक करना चाह रहा हूँ नागपुर के वाड़ी से हमारे साथ जुड़ चुके हमारे दूसरे मेहमान नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब जी। नरेंद्र जी ये बताइए कि जिस तरह से आप भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक है, जहां जिसके आप संस्थापक है वहां एक नाम आ रहा है राजमार्ग परिवहन, आपको क्या लगता है कि परिवहन में जितने चेक पोस्ट है उनके बारे में क्या जानकारी आप देते हो कि किस तरह के चेक पोस्ट कामकाज कर रहे हैं, कौन से राज्यों में चेक पोस्ट है और कहां चेक पोस्ट नहीं है, चेक पोस्ट होने का कितना फायदा लोगों को हो रहा है या लोगों के साथ, मेरा कहने का तात्पर्य कि जो चलते हैं उनके साथ कितना धोखाधड़ी हो रहा है, क्या कहना चाहोगे मिश्रा साहब? जी आपने सवाल बहुत सही किया। आज जितने चेक पोस्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर में है वो कुछ राज्यों में गिने चुने राज्यों में है जी, जैसा कि आपके मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और इधर में जितने भी है 7-8 चेक पोस्टों पे। चेक पोस्ट से वहां पे किसी भी ट्रक चालक मालक को किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं है, उसको नुकसान पे नुकसान उठाना पड़ रहा है। नंबर वन बात, चेक पोस्ट जिसके लिए बनाए गए हैं उसके लिए चेक पोस्ट तो है ही नहीं, वहां तो भारत सरकार को या राज्य के जो प्रदेश सरकार हैं उनको बाइज्जत में उस जगहों में लूट पोस्ट लिख देना चाहिए। और लूट पोस्ट लिखने से उनका एक चांद बोलते ना चांद लग जाता है, वो चांद लग जाएगा स्टेटों में। आज वहां पे गाड़ी वालों की इतनी बड़ी दुर्गत हो चुकी है लॉकडाउन की स्थिति के समय में। 22 मार्च को हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाए थे, घर में रहो घर से बाहर मत निकलो, लेकिन 22 मार्च को मध्य प्रदेश में चंदवा चेक पोस्ट जैसे बॉर्डर में 500 गाड़ियों की लाइन लगी थी। आज ट्रक ड्राइवर उस चेक पोस्ट का शिकार हो रहे हैं। मेरे को ऐसा अंदाज है कि
कभी भी ट्रक चालक मालक जब तक के चेक पोस्ट रहेगा, आरटीओ परिवहन चेक पोस्ट रहेगा, जब तक के बर्बाद के गली में ट्रक इंडस्ट्री डूब जाएगी। आने वाले समय ऐसा बचेगा कि ट्रक न कोई इंसान लेना चाहेगा और न कोई ट्रक ड्राइवर गाड़ी में आना चाहेगा। ये देश के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा होगा आने वाले कुछ ही दिनों में, अगर सरकार ने अपने रवैयों को नहीं सुधारा। और इस परिवहन माफिया इतनी नीचे जड़ जा चुकी है जिसके अंदर में खुद केंद्र के मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व हैं। अधिकारी बोलते हैं ऊपर से आदेश है, हमने ऊपर तक 43 बॉर्डर में मध्य प्रदेश का हमने दौरा किया सर, लेकिन वहां पे एक ही रिजल्ट निकल रहा है, ऊपर से आदेश है। ये ऊपर से आदेश अभी तक कोई बताने को तैयार नहीं हो रहा। हमने मंत्री साहब को, केंद्रीय मंत्री साहब को लेटर पे लेटर दिया, निवेदन पे निवेदन दिया, मौखिक जाके उनको नागपुर कार्यालय में मिला, दिल्ली के कार्यालय में परिवहन विभाग में मिला, परिवहन विभाग के मिस्टर भारती साहब से मिला जो सचिव हैं, ऑलरेडी परिवहन विभाग का राष्ट्रीय सचिव है, भारत सरकार से सचिव हैं, लेकिन उन्होंने भी इसमें पल्ला झाड़ दिया। आज जनवरी में मैंने मिला था, जनवरी से लेकर आज तक कितने महीने हो गए, हमारी आप कॉपी देखेंगे, फाइल देखेंगे, इसमें जांच क्यों नहीं बैठाई जाती, जांच क्यों नहीं होता, दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं होता। हम तो इतना चैलेंज भी कर चुके हैं कि परिवहन विभाग में किसी भी, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे अच्छे से बड़े अधिकारी, मेरे चैलेंज है कि मेरे सामने का 15 मिनट बैठ जाए तो मैं उनको एक सच्चाई हकीकत बता दूंगा। उसमें हमें जो सजा देना होगा वो सजा देंगे, हमें सजा से परवाह नहीं है। लेकिन हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ में मिलकर, ये हमारे मित्र जो दिल्ली से जुड़े हुए मिस्टर रमेश कुमार जी, ये हमारे साथ खुद खवासा बॉर्डर में गए थे और खवासा बॉर्डर की स्थिति को देखे थे। हमने हर बॉर्डर में 3 साल से दौड़े कर रहा हूँ, लेकिन हमने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ परिवहन। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका नारा है स्वच्छ भारत, तो मेरा भी नारा है एक स्वच्छ परिवहन। स्वच्छ परिवहन के लिए हम कहीं तक भी जाने को तैयार हैं, अगर ट्रक चालक मालक हमारा सपोर्ट करेंगे तो। क्या आपका ये मानना है कि ट्रक चालक मालक जो होते हैं आपको सपोर्ट नहीं करते? नहीं, सपोर्ट करें सर, उनके सामने मजबूरी क्या है, उनको जो ये लठैत रखे गए हैं प्राइवेट निजी गुंडे। आपने परसों के इंटरव्यू आपके टीवी पे हमारे नवीन कुमार अग्रवाल जी नीमच से जुड़े थे और हमारे जनरल सिंह जी नागपुर से जुड़े थे, उन्होंने बताया निजी लठैत हैं। अगर हम गाड़ी वाले ट्रक वाले से उन्होंने 500, 2000, 4500 की रिश्वत मांगा दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो गाड़ी की मूवी बना के आपके चैनल में, हमने इसके पहले बता चुका हूँ कि गाड़ी वाले को 30,000, 50,000 यहाँ तक बोलते हैं कि तेरे को इतना बैंकर मैं केस लगा दूंगा, तेरी गाड़ी थाने में सड़ जाएगी, आरटीओ विभाग में सड़ जाएगी, तो किसी लायक नहीं रहेगा। आवाज सर सोचे कि एक मोटर मालक अपनी घर जमीन गिरवी रख के एक गाड़ी से 100 लोग का परिवार चलता है, आपको पता होगा कितने लोग का परिवार चलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, मैं आपसे तो बात करने वाला हूँ इस विषय को लेके। मेरा एक अगला सवाल मुझे रमेश कुमार साहब को पूछना है। रमेश कुमार जी, ये बताइए कि जिस तरह से मिश्रा जी का ये कहना है कि स्वच्छ परिवहन होना चाहिए, लेकिन स्वच्छ परिवहन तभी मुमकिन है या हो सकता है जब अस्वच्छता का वहां का जो आलम है जब उसको स्वच्छ करें। सवाल मेरा ये कि उस अस्वच्छता परिवहन को स्वच्छ करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या कहना चाहोगे, क्या आपकी इस बारे में राय है रमेश कुमार साहब? सर नो, लाइक नितिन गडकरी साहब नो मतलब केंद्रीय है नो मंत्री है, ठीक है, यही नो क्षेत्र में काम कर रहा है, ठीक है। और नो देखिए, ये ट्रांसपोर्टेशन परिवहन ना, परिवहन विभाग है ना, ये वाला नो मतलब नो लाइक कंकरेंट लिस्ट में है, केंद्रीय सरकार के साथ में भी है, राज्य सरकार के साथ में भी है, लेकिन राज्य सरकार का ज्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है। जब से ये परिवहन विभाग का ये लाइक स्टेट को हाथों में दे दिया, ठीक है, तब से ये सब इसको लाइक पैसा बनाने के लिए काम धंधे जैसा बना दिया, ठीक है। ये बहुत आसान है, यू नो मतलब रोज लाइक लाखों गाड़ियां पूरा भारत देश में घूमता रहता है, क्योंकि आप जो कपड़ा पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, जो खाते हैं पीते हैं ना, दवाई करते, कुछ भी है, सब चीज रस्ते के माध्यम से चल रहा है, ठीक है। इनसे पैसा लूटना बहुत आसान है, ठीक है। दूसरी बात है कि देखिए लाइक मतलब ये सब जानते हैं, नितिन गडकरी साहब भी कहते हैं आरटीओ बहुत करप्ट आदमी है, करप्ट है,
लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, केंद्रीय सरकार कितना भी इन्होंने लेके शासन लेके आ सकते हैं, लेकिन लागू करने का इन्होंने लेके जमींदारी स्टेट के ऊपर है, लेकिन स्टेट वाला कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं ये कहना हूँ, वो कांग्रेस सरकार है और बीजेपी सरकार है, पूरे भारत देश का बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश का सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत देश में इतना राज्य में बीजेपी का राज्य चल रहा है, लेकिन उधर भी रिश्वत है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत ये बोल दिया, इससे कुछ मतलब नहीं है, लागू नहीं होता है। सिर्फ सब करप्ट है, सब पार्टी करप्ट है, सब पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्ट से लूटता है। दूसरी बात है, ये ट्रांसपोर्ट जो मोटर मालिक है, ये लोग भी ना ऐसा लोग है, लगने के लिए इनके अंदर ताकत नहीं है। ये सब बड़े बड़े कथ लिखते हैं, बड़े बड़े बोलते हैं, लेकिन इन्होंने इससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसा अभी अमेरिका में देखिए, ये ब्लैक लाइफ मैटर्स, वो लोग एक ब्लैक आदमी को मरने की वजह से पूरा अमेरिका में इतना हंगामा चल रहा है, लेकिन इधर हर सालों में इतना ड्राइवर इतना ट्रकों को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई रस्ते में आगे काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सब ऑफिस में बैठ के टाइप करके मुआवजा देने के लिए तैयार है, रस्ते पे आकर जैसा प्रहलाद जी कर रहे हैं और मिश्रा जी करने के लिए तैयार है और नवीन अग्रवाल कर रहे हैं, ऐसा काम चाहिए, रस्ते पे रुक कर काम करना चाहिए। ये करने के लिए किसी के पास धन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ये सब इंटरनेशनल ऑफिस में बैठ के टाइप करके मेल भेजेंगे, ऑफिस से जाके मनु दे देंगे, बस उससे काम नहीं चलेगा। रस्ते में आ जाओ, रुको, गाड़ी को रुको, बंद करो, लेकिन इसके बाद ताकत नहीं है। सो जब तक ये सब जमीन पर आके काम करेंगे, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है, रिश्वत रहेगा। तो सवाल ये है कि रिश्वत को आखिरकार कैसे दूर भगाया जा सकता है, या रिश्वतखोर जो इस प्रकार का जो कामकाज करते हैं, उनके कौन ऐसे उनके पीछे में कौन ऐसे बैकबोन बन के जो लोग खड़े हैं, वो कौन है जो इनके पीछे में कामकाज कर रहे हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। सर जैसा प्रहलाद जी काम कर रहे हैं, प्रहलाद जी, नवीन जी और मिश्रा जी रस्ते पे उतर कर काम कर रहे हैं, ऐसा सब बहुत लोग काम करना चाहिए। इसी देखिए, पूरा भारत देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल में सब बड़े बड़े एसोसिएशन का दफ्तर है। ठीक है, वो लोग हर रास्ते पे, हर हाईवे में, स्टेट हाईवे में, नेशनल हाईवे में जाकर जिधर रिश्वत हो रहा है उधर धरना करना चाहिए, रोज रोज नजर रखना चाहिए। एक दिन जाके धरना करने से एक कलेक्टर साहब के साथ कागज देने से कुछ नहीं होता है। हमने देखा है, बोरी में भर भर के पैसा लेके जा रहा था नए गाँव में। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते। जब हम चार पांच घंटे रुके थे तब यह सब बंद हो गया था, लेकिन उनको भी मालूम है जी, ये सब धरना गिना है, ये ड्रामाबाजी लेके पूरा रोज रोज नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये जब तक हम आम खोलकर हम पूरा पूरा लेकर ताकत लगाकर पूरा काम नहीं करेंगे, तब तक ये खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक ये खत्म नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है। मिश्रा साहब, आप बताइए कि आप पिछले कई वर्षों से, प्रहलाद अग्रवाल साहब है, नवीन कुमार जी अग्रवाल साहब है, आप हो नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब, जब आप ये कामकाज करने के लिए जब आप उतरते हो, तो जो राजनेता जो होते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मंत्री लोग होते, चाहे केंद्र के मंत्री हो या राज्य के मंत्री हो, जिनसे आप संपर्क करते हो, उनकी प्रतिक्रियाएं उस समय में क्या होती है जब आप ज्ञापन देने जाते हो, आपके मन में क्या चलता रहता है, और उनके मन में आपको देख के क्या चलते रहता है, क्या कहना चाहोगे, काफी तजुर्बा है आपको इस बारे में। मिश्रा साहब, सर आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया जी, कि जब हम जाते हैं किसी प्रदेश में मंत्री से या अधिकारी से मिलने के लिए, हमारे मन में सवाल क्या उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में सवाल उत्पन्न होते हैं कि ये हमारा काम करके देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हम पहले सोच के जाते हैं कि हम उनसे सच का सामना करूंगा, झूठ का सामना नहीं करूंगा, ये सबसे पहले मेरा दृढ़ संकल्प होता है। हमने मध्य प्रदेश के अंदर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय शिवराज जी चौहान वहां के मुख्यमंत्री थे, हमने उस समय से संघर्ष कर रहा हूँ, तो हमने उस समय पे गडकरी साहब के दरबार में जाना चालू किया, वाड़ा में, वो वाड़ा में रहते थे, केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री, उन्होंने इस विषय पे आगे भी चर्चाएं की, उसमें भूपेश सिंह ठाकुर जो है एमपी के गृह मंत्री भी थे और परिवहन मंत्री भी थे, उन्होंने इस विषय को चलते चलते चलाते लास्ट को उन्होंने बॉर्डर को उन्होंने बंद करने का निर्णय लिया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का। जब ये दोनों बॉर्डर बंद हुए तो इनके डमी कैंडिडेट जो है परिवहन विभाग के चेक पोस्ट के अधिकारी, इन्होंने एक कोर्ट में एप्लीकेशन डाले,
कि रोड पे गाड़ियां हाईवे पे ओवरलोड गाड़ी चल रही हैं, हमको इससे रोड का नुकसान होता है, एक डमी कंडक्टर तहसीलदार से जबलपुर हाई कोर्ट में केस डलवाए। जबलपुर हाई कोर्ट में केस डलवाने के बाद इन्होंने केस को जीते। मैं आपसे मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इसमें उन्होंने केस डाले, केस को जीते, तो क्या उन्होंने ओवरलोड की गाड़ी का कितना चलान किए, कौन सी गाड़ी को नुकसान, रोड टूटा, लेकिन उनका रोड तोड़ना काम नहीं था, उनको अपनी झोली में पैसा भरना था। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, अब कमलनाथ जी के मंत्रालय में गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री बने। हमने परिवहन मंत्री जी के पास किया, जब ऑर्डर बोले को ऊपर से आदेश है, तब ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिला और कमिश्नर साहब संजय श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने भी बोले कि नहीं ये ऊपर से आदेश नहीं है, तुमने सर पे आदेश क्या, यानी सरकारी कर्मचारी सरकार का डर दिखा के गाड़ी वालों को गला रेतेंगे क्या। मंत्री साहब के पास गया तो मंत्री साहब इसके बोले मैं जांच कराऊंगा। हमने एक एक अधिकारी का लिखित नाम दिया, लेकिन उन्होंने आज तक उसकी जांच नहीं कराएंगे, जिसकी कॉपी मेरे पास में ऑलरेडी है। फिर हमने पुनः केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास साहब सर क्या है, और एमपी वाला बोल तक ऊपर से आदेश नहीं है, सरकार वो ये आपके जो परिवहन मंत्री के ऑफिसर लोग हैं ये बोलते ऊपर तक पैसा जाता, तो ऊपर में बैठा कौन है, आप इसकी जांच क्यों नहीं करवाते, और इसके लिए आपको कोई भी लोकसभा में या विधानसभा में किसी प्रकार से प्रस्ताव पास नहीं करवाना पड़ेगा। आपका आपने खुद बोले कि आरटीओ परिवहन विभाग चंबल से ज्यादा कहीं डकैत हैं, चंबल से बड़े डाकू हैं परिवहन विभाग के आरटीओ विभाग, तो सर चंबल विभाग चंबल के डाकुओं को जगह कहाँ होनी चाहिए। आज अगर इन्होंने मेरे को एक भी स्टाफ दे दे, एक भी सरकारी स्टाफ दे दे दिल्ली के सीबीआई की, तो मैं आपसे वादा करता हूं इतने जेल में जगह नहीं मिलेगी ये अधिकारियों को रहने के लिए। आपने 10 गुना तो फाइन बढ़ा दिया, कोई अगर जुर्म होता है तो 10 गुना फाइन देना होगा, आपको शायद सर मालूम होगा। संजय जी, जी 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 मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा है मिश्रा साहब। गडकरी साहब बिल्कुल, मिश्रा साहब मैं आपके पास आने वाला हूँ इस विषय को लेकर, उससे पहले मैं एक बार फिर रुख करना चाहूंगा रमेश कुमार साहब के पास। रमेश कुमार जी, मेरा एक सवाल यह है, यदि आपको परिवहन मंत्री के तौर पर यदि एक महीना का पूरा चार्ज दिया जाए, किस किस प्रकार के बदलाव आप करना चाहोगे? कोई चांसी नहीं है, ये पूरा इन्होंने ना अंदर घुस गया, ये बहुत इट्स कैंसर है ठीक है। जब तक ये जब तक सब राज्य मिलकर काम करेंगे तभी इसको हटा सकते, नहीं तो देयर इज नो चांस, एब्सोल्युटली नो चांस, करप्शन को हटा नहीं सकते, सब इसमें यू नो मिले हुए हैं। बट सर ऐसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर ये अगर कहते हैं तो क्या इसके हिसाब से कामकाज नहीं हो सकता? यदि कैंसर है तो कैंसर के लिए कोई तो सॉल्यूशन होगा, कोई तो मेडिसिन होगी, आखिरकार लोकतंत्र में कुछ तो मेडिसिन होगी, और वो जो मेडिसिन है उसका फायदा लोग आखिर क्यों नहीं उठा रहे, ये मेरा सवाल था, क्या कहना चाहोगे आप? सर इन्होंने मतलब हम सिर्फ अभी ये करप्शन ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग के बारे में बात कर रहे हैं जी। पूरे देश में आज भी सब जगह पे करप्शन चलता है, कोई कम नहीं हुआ, शायद बड़े लेवल में कम हो गया होगा शायद, ओके लेकिन करप्शन आज भी चल रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, पूरा दुनिया में करप्शन है ठीक है, भारत देश में ज्यादा है और कुछ नहीं है, इधर भारत देश में करप्शन नीचे तक पहुंच गया है ठीक है। सो ये बहुत मुश्किल है, इसको पॉलिटिकल विल चाहिए, महात्मा गांधी जैसा जैसा वो सबको इकट्ठा करके एक मुद्दा बनाकर हमको मतलब इंडिपेंडेंस दिलवाया, ऐसा सिर्फ एक मोदी साहब कुछ कर नहीं सकते ठीक है, ये पूरा मिलके करना पड़ेगा, इसके लिए अभी किसी के पास कोई तैयार नहीं है सर, वही सच है, कोई भी बड़ा बड़ा भाषण दे सकते हैं लेकिन कुछ होने का संभावना नहीं है। बिल्कुल मिश्रा साहब कुछ कहना चाहते हैं? मिश्रा जी कहिए। रमेश जी सबसे पहले रमेश जी साहब बोले कैंसर की आपने सॉरी बोले कोई दवा है वैक्सीन, हर मर्ज की दवा है लेकिन मर्ज की दवा करने वाला चाहिए। आज देश का सबसे बड़ा कोरोना संकट की बीमारी पूरे हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, जिसका कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन नहीं है, लेकिन यही मोदी जी ने, यही भारत के नागरिक ने उसको चैन तोड़ने का काम किया, ना कि चैन जोड़ने का काम किया, चैन टूट रही है, चैन जुड़ नहीं रही है, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी उस चैन को
जोड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना अगर हिंदुस्तान के अंदर फैल रहा है तो परिवहन विभाग के चलते फैल रहा है, ये मेरा चैलेंज है, वादा है। दूसरी बात, मोदी जी को ये आज तक खबर नहीं लग रही, हमने जो नागपुर से कलेक्टर के माध्यम से लेटर भेजा था, आज लेटर के में काफी दिल्ली से रिप्लाई आई कलेक्टर के माध्यम से कि आपका हमने पेपर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दिया हूं। हमारा सबका फर्ज और कर्तव्य सब बनता है, धर्म बनता है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट यूनियन है सबसे हम एक एक यूनियन से पदाधिकारी से मिलूंगा और मिलने के बाद हम दिल्ली में डेरा डालूंगा और ये करप्शन को बंद करवा के दम लूंगा, ये भी मेरा वादा है। हिंदुस्तान से वादा है, ट्रक चालक ऑपरेटर से वादा है, आपके मीडिया से वादा है, लेकिन देश का चौथा स्तंभ अगर मीडिया हमारा साथ दे दिया, ये दूर दूर नहीं है कि अधिकारियों की गले की मोच, ये क्या सोचते हैं 15 साल पहले कुछ और था, वो दुनिया भूल जाओ, लेकिन आज की दुनिया कैसी है, आज मेरे पास हर सुविधा है, नेटवर्क है, सोशल है, मीडिया है, सब कुछ है, आप जैसे हमारे साथ दे रहे, पत्रकार भाई दे रहे, हम तो उसको सच का साथ दो, सच के सामने दुनिया झुकी है, झुकेगी, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। और आप परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करवाने में रमेश कुमार जैसे साथी की हमें आवश्यकता है, नवीन कुमार जैसे साथी की आवश्यकता है, प्रहलाद अग्रवाल जैसे में साथी की आवश्यकता है। अगर हमारे पास ये 4-5 साथी मिलते हैं तो 4-5 नहीं, हम 5,000 हैं, 5,000 से 50,000 बनेंगे, 50,000 से लाखों करोड़ों में जाएंगे, तब देखेंगे कि परिवहन विभाग को कैसे उन्होंने मुक्त नहीं करते। हम भय मुक्त परिवहन विभाग को बनाऊंगा, इसके लिए हमें सबको अपनी कमर कसनी पड़ेगी। पुरानी बात को भूल जाइए कि ऐसा हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, हम जब हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं भारत अपने घर में, क्या कभी सोचा था कि मैं टीवी में लाइव पाऊंगा, यह संगठन को चलाऊंगा, ट्रांसपोर्टिंग करूंगा, घर से बाहर निकलूंगा, लेकिन नहीं, हमने बाहर की दुनिया देखा, वह सभी को हमको अग्रसर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, ये सभी का फर्ज और कर्तव्य बनता है। रमेश कुमार जी, हम हारेंगे नहीं, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, ये मेरा वादा है आपका। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपके बारे में यही पंक्ति कहना चाहूंगा कि मिश्रा साहब, जिस अंदाज में आपने जो बात की है, जो विश्वास जो दिलाया है, वो काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसे कि मैंने एक सवाल इनसे किया था रमेश कुमार साहब से कि यदि आपको 1 महीने के लिए परिवहन मंत्री बना दिया जाए तो क्या होगा, ये तो खैर मजा के अंदाज की बात थी, मगर जिस अंदाज में आपने जो बात किया बखूबी के साथ किया है, बहुत बढ़िया बात किया है। आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, भले देर हो जाए मगर दुरुस्त काम होगा, इसके लिए सबने मिलजुल के काम करना होगा। यही कुछ आज इस मंच के माध्यम से नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब ने यह बात उठाई है। जाते जाते मैं दोनों को एक एक सवाल करूंगा और उसके बाद, क्योंकि आखिरी के सेगमेंट में हम है, समय को भी ध्यान में रखना है, रमेश कुमार साहब, मेरा आखिरी का सवाल यह है कि सरकार को यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं इन तमाम मुद्दों को और बातों को लेकर, तो आप किस प्रकार का और क्या सुझाव देना चाहते हो, क्या कहना चाहोगे सर जी? देखिए, मतलब इन्होंने ये सब अभी कोविड का क्राइसिस में, कोरोना क्राइसिस में सडनली सबको याद आ गया ट्रक ड्राइवर बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो इसका पहले तो कोई इसको भावी नहीं देता था, अभी तो जब ये कोरोना से डर कर सब ड्राइवर सब उनका गांव चले गए, अभी इन्हों खुलने के बाद इन्हों धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन इन्हों सब कंपनी के पास माल है, गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर नहीं है, सब अरे भाई साहब वापस आओ करके बुला रहा है लेकिन इतना सालों से ये मोटर मालिक सही तरह से ड्राइवर लोग को देखभाल नहीं किया है। जो कंपनी ने सही तरह से उसको देखभाल किया है वो कंपनी के लिए ड्राइवर लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी में अभी भी ड्राइवर चल रहा है, ये कोरोना के बाद भी वापस आ चुका कर रहा है, लेकिन सिर्फ 40% अभी गाड़ी चल रहा है, 60% नहीं कर नहीं पा रहा है क्योंकि कोई आने के लिए तैयार नहीं है। साइकोलॉजिकली माइंड सेट बदलना चाहिए, अच्छी तरह से रिश्ता होना चाहिए मोटर मालिक और ड्राइवर के बीच में सरकार के तरफ से, आप मानेगा नहीं, जब मैं पूरा भारत देश में गया 10 सालों से सफर कर रहा था, सुबह उठकर संडास करने के लिए कोई पीछे जाना पड़ता था, कुलन कुला जगह पे जाके संडास करना पड़ता था, कोई जगह ही नहीं था, ठीक है कोई। और दूसरी बात है, इनका खाना के लिए आप कोई अगर आप ड्राइवर का ढाबा में जाके देखेंगे, खाना सही तरह से नहीं मिलता है,
ठीक है, और इनको पगार नहीं है, इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी उनको सुविधा नहीं है। अभी तो सब माइग्रेंट लेबर के आने के बाद तो ये करेंगे वो करेंगे सब बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन ये ड्राइवर तो ड्राइवर माइग्रेंट लेबर नहीं है, वो पूरा भारत देश नारद मुनि जैसा घूमता रहता है, लेकिन उनके लिए कुछ सुविधा नहीं किया आज तक, ठीक है। लेकिन जब तक ये बेसिक डोमिनिटीज ये सब करेंगे, उनको बराबर देखभाल करेंगे, जब ही आप जीवित रह सकते। सब बोलता है मतलब ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टेशन इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन इन्हें बोलने में बहुत आसान है, ये पॉलिटिशियन जैसे सब लोग बोलते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते, उनके लिए कोई मदद नहीं करते। अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट में मर गया तो राम राम बस बस खत्म, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई मोटर मालिक भी उसका हाथ उनका बीवी का हाथ है बाबी जी 5,000 रखो 10,000 रुपए रखो बस खत्म, उतना ही जिंदगी है, कोई कीमत नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है। सी देखिए इसलिए मतलब 22% का शॉर्टेज है ड्राइवर का, ठीक है, ये तो ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, वकील का बेटा वकील बन रहा है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन रहा है, पुलिस वाला का बेटा पुलिस बन रहा है, आईएएस वाला का बेटा आईएएस बन रहा है, लेकिन ड्राइवर का बेटा कभी नहीं ड्राइवर नहीं बनेगा, क्योंकि वो सब वो जमाना बदल गया, धीरे धीरे ड्राइवर का मतलब संख्या कम हो रहा है। ये सब असर पड़ेगा, क्योंकि जब माल तो उत्पादन तो बहुत कम जगह पे हो रहा है, सब जगह पे पहुंचने के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं है तो दाम पड़ेगा। रमेश कुमार साहब आप मूल मुद्दे पे ये आइएगा, मैंने आपसे ये कहा था कि क्या सुझाव सरकार को देना चाहते हो ये तमाम परिस्थितियों को अच्छा करने के लिए, वो देखिए हम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, सरकार में जाके मिश्रा जी कहा ना, मिश्रा जी इतना एसोसिएशन है सालों पर इतना महाजर दे चुका है, वो सब अगर ये लोग सरकार में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में वो लोग वो जो महाजर दिया है वो सब खोल कर पढ़ेंगे तो उसमें इतना लिखा है क्या क्या करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ बोलने से कुछ नहीं होता है, इसके पास बहुत कुछ है, सो वो सिर्फ इनको वक्त निकाल कर वो पढ़ेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए मैं जैसा कहा है महात्मा गांधी जैसा एक व्यक्ति लीडरशिप नहीं है, ओके पॉलिटिकल जब बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी ये करता वो करता, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब एक आदमी कुछ नहीं कर सकते, हमें हजारों लाखों नरेंद्र मोदी जैसा लोग चाहिए हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में, और ये इम्प्लीमेंटेशन तो ग्राउंड लेवल पे होता है सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, कलेक्टर अच्छा होना चाहिए, पुलिस वाला अच्छा होना चाहिए, आरटीओ अच्छा होना चाहिए, ये बहुत कठिन है, लेकिन जैसा मिश्रा जी बोल रहा है परिवर्तन करने के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है, देखा जाएगा। चलिए आखिरी का चलते चलते मेरा आखिरी का सवाल फिर से एक बार रमेश कुमार साहब आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि मंत्रियों को जो जिस प्रकार की सहूलियत और फैसिलिटी जो मिलती है बड़ी बड़े पैमाने पे मिलती है, क्या उनकी जो फैसिलिटी जो सरकार उन्हें जो दे रही है क्या उन्हें निकालना चाहिए या उन्हीं के पास रहने देना चाहिए? नहीं नहीं ये सब मदद तो करना ही चाहिए, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री के तरफ से और केंद्रीय मतलब राज्य मुख्यमंत्री के तरफ से और परिवहन मंत्री के तरफ से बहुत कुछ बोल सकते हैं लिख सकते हैं, लेकिन पालन करने वाला तो कांस्टेबल है, छोटा मोटा व्हीकल इंस्पेक्टर है, ठीक है, उधर तक संदेश पहुंचाना है, वो लोग को मतलब मॉनिटर करना है, वो लोग सही तरह से काम करना नहीं करना देखना, ये सब करने के लिए मतलब बहुत ताकत चाहिए, आदमी कमिटेड आदमी चाहिए, उतना कमिटेड आदमी नहीं है, वही शॉर्टेज ऑफ डेडिकेटेड कमिटेड पीपल, दैट इज अ प्रॉब्लम। सी हमारा मॉरल कैंपस बिगड़ गया, हमारा देश मतलब ठीक है हम तो 7% 8% तो जीडीपी ग्रोथ करेंगे वो सब बहुत बड़ी बात है, 5 ट्रिलियन का बात कर रहा है, लेकिन वो रीच करेंगे, लेकिन ये नीचे में ये ड्राइवर परिवहन क्षेत्र में जो परिवर्तन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ना वो बहुत धीरे धीरे चलेगा, स्मॉल डोसेस इट विल हैपन बट इट विल टेक हेल ऑफ अ टाइम। बिल्कुल, काफी आपने जो प्रतिक्रिया दी है वो काफी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर से हम आखिरी के सेगमेंट में आखिरी का मेरा सवाल हमारे जो मेहमान है जो जुड़ चुके हैं और जिनका काफी अच्छा कामकाज है, मैं फिर से एक बार नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मिश्रा साहब आप भाईचारा राजमार्ग परिवहन जो सेवाएं उनके आप संस्थापक है, और प्रहलाद अग्रवाल साहब है, नवीन कुमार अग्रवाल साहब है,
जैसे कि रमेश कुमार साहब है और आप नरेंद्र जी, नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब, जिस प्रकार से आप जो कामकाज कर रहे हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं परिवहन को लेके। मुझे नहीं लगता कि पूरे शहर में आप जैसे लोग जो मिलजुल के जो काम कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इस प्रकार का काम कर रही है। बखूबी के साथ आप कामकाज कर रहे हो, बशर्ते आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आपकी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा है और ये बात प्राइम मिनिस्टर के अब तक ध्यान में नहीं लाई गई है, ये भी आपने इस बात का जिक्र किया है। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इन विषय के ऊपर में जब भी हमारी मुलाकात होगी, हम उनके नजरों में ये बात, उनके ध्यान में ये बात जरूर लाके देंगे और बताएंगे कि शहर के, देश के हर कोने में फैले हुए जो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक मालिक है, परिवहन, ये विषय को लेकर उनसे पूरी चर्चाएं करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह से उनकी हालत हुई है और किस बदहाली में वे अपना जीना जी रहे हैं और ऐसी बदहाली होने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। परिवहन ये जो विभाग है ये अपने आप में अप टू डेट क्यों नहीं हो रहा है और इसको क्या शिक्षा देने की जरूरत है या कहीं एनजीओ या कोई ऐसी कार्यशाला का इनके लिए भी कोई प्रावधान है क्या और कैसे इन लोगों को न्याय इन ट्रक मालिकों को, ट्रक ड्राइवर को दिया जाए और इनका अच्छा जीवन संवर्धन कैसे किया जाए। इन तमाम विषयों को लेकर जब भी हम रुख करेंगे दिल्ली की ओर, हम आपसे भी प्रॉमिस करते हैं कि यकीनन हम देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से जरूर जरूर मिलेंगे और आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे, ये 100% हम आपसे वादा करते हैं। और आखिरी का सवाल नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब से यह है, मिश्रा साहब हम तो जाने वाले, हम तो ये बात कहने वाले, आपके कुछ सुझाव है तो इस समय में तमाम मंत्री आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, लाखों की संख्या में दर्शक आप इस समय में स्क्रीन के सामने में बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे सरकार को इस विषय को लेकर, अगर संक्षिप्त में कहना चाहोगे तो क्या सुझाव है? संक्षिप्त सर हमें बताना चाहते हैं कि जो विभाग जिसके लिए बना है वो विभाग उसके लिए सच्चाई के साथ में काम करे। जैसा कि परिवहन मंत्री जी ने सेल टैक्स बॉर्डर को खत्म करके पूरा उन्होंने जाम हटा दिया, पूरा उन्होंने भ्रष्टाचार का रास्ता साफ कर दिया, कोई भ्रष्टाचार सेल टैक्स में नहीं हुआ और न आगे होगा, उसी तरह से परिवहन विभाग में जो आरटीओ चेक पोस्ट है वहां पे एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि एक गाड़ी हमारी जो स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है उसको ऐसा परवाना दे दिया जाए, जो गाड़ी एक बार पद्धत से चेक हो जाए आगे उसको गाड़ी को कोई छेड़खानी न करे। अगर आगे वाला आरटीओ गाड़ी को छेड़खानी करता है उसका जो भी जुर्माना होता है, जो भी फाइन होता है, तो पीछे वाला अधिकारी पे 10 गुना जुर्माना डाला जाए। जब इस तरह से अधिकारियों पे 10 गुना जुर्माना भरेंगे उनको सजा मिलेगी, जेल के पीछे जाएंगे, उनके निजी संपत्ति की जांच कराई जाएगी। अगर ऐसे दो अधिकारियों पे गाज गिर जाएगी तो मेरा ये विश्वास है कि पूरा परिवहन विभाग भ्रष्टाचार साफ हो जाएगा। ये हमारा सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव है, परिवहन चेक पोस्ट को रोक, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहीं न कहीं हमारे जैसे संगठन की उनको आवश्यकता है, हम उनको सेवा देने को तैयार हैं, निशुल्क सेवा देंगे, हम सरकार से एक रुपए किसी तरह से फायदे की बात नहीं करते हैं, हम स्वच्छ भारत और स्वच्छ परिवहन की बात करते हैं कि गाड़ी ओवरलोड है फाइन करे, बिना पेपर किए फाइन करे, हम उस पर कोई रियायत नहीं कर सकते न चाहते हैं, लेकिन नाजायज किसी गाड़ी वाले को ना सताया जाए। सबको जीने का हक है, कमाने का हक है, रोजी रोटी कमाना चाहिए, पूरा घर परिवार सबका चलना चाहिए, एक ट्रक से हजारों लोगों का जीवन यापन चलता है, इसमें सरकार कहीं न कहीं कदम उठाए और वैसे अधिकारियों पे सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए। हमारे आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारी ये आवाज नितिन गडकरी तक पहुंचाई जाए। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल सही बात इन्होंने फरमाया है, जैसे कि इन्होंने जो दो तीन सुझाव जो दिए हैं, सबसे महत्वपूर्ण सुझाव तो ये था कि ऐसे परिवहन जो अधिकारी होते हैं और उनसे जुड़े हुए जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनके ऊपर में सीबीआई की जांच जरूर करवाया जाए। जिस प्रकार से ये जो करप्शन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, करप्शन की इतनी दिमक लग चुकी है कि पूरी तरह से सिस्टम खोखला हो चुका है, हर कोई पैसा 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 कर रहा है लेकिन उसके पीछे में जो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने इस राज्य से दूसरे राज्य में माल लेके जो जा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं, चाहे फिर ट्रक का मालिक हो या ट्रक के ड्राइवर हो, इनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है।
सरकार का कहने का मैं परिवहन से डायरेक्ट बात करना चाहूंगा कि परिवहन विभाग का ध्यान नहीं है, परिवहन के जो मंत्री है उन्होंने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बार 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 चैनल के माध्यम से अब तक के कई ऐसे पैनलिस्ट आए हैं और हर कोई यही बात कर रहा है कि परिवहन पूरी परिवहन ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो विभाग है, तो ये पूरा दिमक भ्रष्टाचार का लगा हुआ है। अगर मंत्री साहब इसके ऊपर में कुछ डीडीडी की फवारनी करना चाहता है तो इस दिमक को कम कर सकते हैं, पूरी तरह से दिमक ही मिटा सकते हैं, वरना वो दिन दूर नहीं देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले व्यापार जो ट्रक जो चलाते हैं वो कारोबार पूरी तरह से बंद होगा और उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति इतनी कम हो जाएगी कि देश कोरोना से भी बदतर हालत हो सकती है, बशर्ते समय के चलते हमें देखना होगा लोगों को लोकतंत्र में जीने वाले इस भारत के उन तमाम नागरिकों की ओर ध्यान देना होगा, उनका जीवन संवर्धन करना होगा, ट्रक ड्राइवर के ऊपर में जिस प्रकार से अपमानजनक जो बातें जो होती है उनका सम्मान नहीं किया जाता, हर चेक पोस्ट पे डकैत लोग बैठे हैं, ऐसा आरोप जब किया तो वो बिला वजह नहीं किया, उसमें कुछ ना कुछ तो वजह जरूर है। और इसके पहले भी जो पैनलिस्ट है आरोप नितिन गडकरी जी ने लगाए थे, हाँ अभी जैसे कि हमारे जो मेहमान नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब इन्होंने ये भी बताया कि परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी इन्होंने भी ये आरोप लगाया था, मगर नितिन गडकरी जी इन्हीं के हाथ में वो रिंग मास्टर है, अब अधिकारियों को कैसे लाइन पे लाना है ये अब उनका देखना है, क्योंकि जनता डकैतों की जगह कहाँ होती है, चंबल के डकैतों की जगह कहाँ होती है, आरटीओ साहब की जगह कहाँ होनी चाहिए, ये आरोप हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में जो है नितिन गडकरी साहब ने लगाए थे कि चंबल से कहीं बड़े डाकू हैं आरटीओ परिवहन विभाग के अधिकारी, इनकी जगह कहाँ होनी चाहिए ये सर को मालूम है और आपको मालूम पूरी दुनिया को मालूम डकैत की जगह कहाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से चंबल घाटी का जो जिक्र किया है वो डकैत जो हो गए वो भी डकैत तो डकैत होते हैं, चाहे पैसे की करें या और कोई अन्य चीजों की, मगर जिस प्रकार से भारत सरकार के नाक के नीचे में जो कामकाज जो चल रहा है, भ्रष्टाचार एक तरफ पूरी तरह से बंद करने की या जड़ से उखाड़ने की बात देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मगर उन्हें क्या पता कि भ्रष्टाचार ये महज बातों से बंद नहीं होगा, उसके लिए काम करना होगा और उनके नीचे में जो काम कर रहे हैं जो पूरी जो लाइन्स है वो पूरी यानी अधिकारी से लेके तो और भी कुछ उसमें लिप्तता होंगी लोगों की, वो दे आर ऑल करप्टेड पर्सन, करप्शन बंद होना चाहिए और ये कैसा बंद होगा इस और देश के तमाम तमाम 130 करोड़ लोगों की निगाह अब उनके ऊपर में टिकी है, देखना ये होगा कि आने वाले दिन में देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और परिवहन मिनिस्टर नितिन जी गडकरी क्या स्टैंड लेते हैं और इन लोगों को क्या न्याय देते हैं, क्योंकि न्याय देने के लिए वे लोग प्रसिद्ध है मगर अब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला है, लोकतंत्र में जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस देश का हमारा प्यारा मजदूर वर्ग हो, ड्राइवर हो या ट्रक मालिक हो, जो व्यापार करता है उनका जीवन समर्थ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र ये भारत की आन बान और शान है। तो दर्शकों इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समापन संपन्न होता है और मैं फिर से एक बार हमारे दोनों पैनलिस्ट जो आज हमारे इस कार्यक्रम में आए थे, रमेश कुमार जी जो दिल्ली से जुड़ चुके थे और दूसरे हमारे पैनलिस्ट नागपुर से नरेंद्र कुमार मिश्रा जी थे, मैं दोनों का फिर से एक बार कार्यक्रम के अंत में मैं आपका आभार करता हूँ, आभार मानता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। फिर नए विषय को लेकर दर्शकों हम आपके सामने में पूरे देश के अलग अलग परिसर से अलग अलग राज्यों से कई ऐसे पैनलिस्ट आएंगे अलग अलग विषयों को लेकर और हम आपसे रूबरू करवाएंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाजत और आप देख रहे आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम ट्रक मालिकों कर और परिवहन ये सिस्टम कब सुधरेगा और परिवहन के कब होश लाने के लिए सरकार करेगी कामकाज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।